प्रधानमंत्री द्वारा जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ निकाला जा रहा है, जो टीकमगढ़ जिले के विभिन्न गांवों से गुजर रहा है। रथ के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक मोदी की गारंटी वाले रथ में वॉल स्क्रीन के माध्यम से फिल्म दिखाकर योजनाओं के लाभ को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यह रथ टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के धर्मपुरा गांव पहुंचा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री द्वारा सरस्वती एवं गांधी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम में योजनाओं के हितग्राहियों से मेरी जवानी मेरी कहानी के तहत केंद्रीय मंत्री ने बात की। वहीं विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी केंद्रीय मंत्री ने अवलोकन किया। केंद्रीय मंत्री ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा लगाई गई पोषण आहार की प्रदर्शनी में रखे व्यंजन का अवलोकन किया एवं योजनाओं के हितग्राहियों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर कनेक्शन एवं प्रमाण पत्र देकर लाभान्वित किया। मैं बिहार के कई गांव में होकर आया, कर्नाटक में होकर आया, मैं उत्तर प्रदेश में होकर आया, तमिलनाडु होकर आया, जम्मू कश्मीर होकर आया। आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तमिलनाडु जैसे राज्य में जब जाती है जहां पर हमारा पंच भी नहीं, जम्मू कश्मीर में जाती है, जितनी बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर उमड़ के आ रही है, वो सच में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। हम सबके लिए बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, क्योंकि लोगों का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतना गहरा हो गया है कि आज तमिलनाडु की जनता भी कह रही है, जम्मू कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी जब योजना बनाते हैं तो बगैर धर्म के भेदभाव के आधार पर, बगैर जाति के भेदभाव के आधार पर, बगैर प्रांत के भेदभाव के आधार पर, सारी चीजों से ऊपर उठकर के जो पात्र व्यक्ति हैं उन पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, और वो लाभ पहुंचाने की भाव को लेकर ही यह मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव में आई है।